एक बार फिर से निषाद जो यहाँ पे अपना नेता मानते थे, लेकिन आपके आने के बाद क्या लग रहा है, दो गुटों में बटेंगे? कोई दो गुट में बटने वाला नहीं है। निषाद का बेटा निषाद के साथ रहने वाला है और मजबूती से जो निषाद के हक अधिकार की बात करेगा उनके साथ रहेगा। डॉक्टर साहब अगर निषाद को आरक्षण दिला पाते हैं 2022 से पहले तो पूरा निषाद समाज जो है मैं भी उनके साथ रहूंगा। अगर वो आरक्षण नहीं दिला पाते तो कम से कम 50 सीट से अधिक सीट पे गठबंधन करता है बीजेपी के साथ तो फिर हम लोग उनके साथ देंगे और पूरा मजबूती से मदद कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मजबूती से उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी लॉन्च हो चुका है। 165 सीट हमने चिन्हित किया जिसमें से पूर्वांचल में 80 सीट है और पूरे प्रदेश मिला के 165 सीट है जिसपे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और निषाद का वोट जो है ना, निषाद वीआईपी पार्टी में जाने वाला और किसी के पास नहीं जाने वाला। और जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझता है ऐसे लोगों को आने वाले समय में बताएंगे कि निषाद का वोट निषाद के बेटा के साथ आएगा। सिर्फ हम बताएंगे नहीं, 15% वोट ला के दिखाएंगे। मैं यहाँ पे किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाला हूँ, मजबूती से लड़ूंगा। जो लोग निषाद का वोट अपना समझते हैं ऐसे लोगों को कम से कम 75 सीट हम चुनाव हराएंगे और तब जाके 2024 और 27 में आके उनको अकल आएगा कि निषाद के सामने झुकना पड़ेगा, निषाद का हक अधिकार देना पड़ेगा। जैसे अभी किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून को वापस लिया गया क्योंकि उनसे डरे, आज निषाद से डर नहीं रहे, निषाद को हल्के मिले रहे। तो इस बार हम लोग खेला करेंगे, खदेड़ा करेंगे और मजबूती से यहाँ पे हम लोग 15% वोट लाके और 75 सीट अगला को हराएंगे ताकि 2000 आने वाले समय में 24 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कर दे दिल्ली सरकार, ये सुनिश्चित करेंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे डॉक्टर संजय निषाद को, जो निषाद अपना नेता मानते थे, फिर देखिए डॉक्टर साहब को नेता मानते थे नहीं, समाज का बेटा, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था इसलिए सब उनके साथ है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथ है। आज गोरखपुर में आप इतने बड़ा हजारों की संख्या में इतने बड़े हुजूम देख सकते हैं, तो निषाद का बेटा हूं इसलिए मेरे साथ है। तो वो भी अगर सही नीति और नियत से चलेंगे तो फिर उनके साथ भी रह सकता है, लेकिन वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। आपने देखा कि 2018 में कैसे साइकिल पे चढ़ गए, एगो टिकट पे समझौता कर लिया अपना पार्टी रहते हुए, 2019 में एगो टिकट पे समझौता कर लिया बेटा को अपना पार्टी रहते हुए बीजेपी का सिंबल पे लड़ा के बीजेपी का सांसद बना दिया, वो दुकान चला रहे। अभी भी यहाँ पे लड़के ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहिए। यहाँ पे क्या किए, एगो एमएलसी में बीजेपी के साथ चले गए, पहले सीट गठबंधन करना चाहिए उसके बाद जाना चाहिए, पहले आरक्षण लेना चाहिए उसके बाद जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे हैं और जो पार्टी चलाएगा निषाद उनके साथ रहेगा, जो दुकान चलाएगा निषाद उनके साथ नहीं रहेगा। इसमें क्या कहेंगे, इसमें वो उनको सद्बुद्धि मिले। और ऐसे लोगों को तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को जुबान काट लेना चाहिए जो लोगों ने फुलन देवी के ऊपर उंगली उठा रहे, उनको पहले सीख लेना चाहिए, अपने गुरु लोग से बात कर लेना चाहिए कि क्या बोलना है। फुलन देवी को हम लोग आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, पूरा दुनिया उनको मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया तो पूरा दुनिया मानता है कि महिला जो है ना सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानता, उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला भी लेना जानते हैं। उनके साथ अपमान किया, आने वाले समय में उनका बदला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आप गठबंधन करेंगे या नहीं, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, मजबूती से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय जी? निषाद जी से कहूंगा कि 2022 चुनाव से पहले आरक्षण दिलवाइए, आप भी लड़िए मैं भी लड़ता हूँ, दोनों भाई साथ मिलकर आरक्षण लें। गठबंधन करेंगे अगर वो चाहेंगे? नहीं, गठबंधन वो करे, हम नहीं करेंगे।